हेलो हेलो, हेलो हेलो। हाँ, मैं कुछ और चेक कर रहा था। अच्छा जी, सबको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अब कोर्स से रिलेटेड कर लेते हैं। जितनी भी कोर्स में टर्म्स यूज होंगे डिफरेंट हमारी, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये थ्रू आउट द कोर्स अब यही टर्म्सोलॉजी चलेंगी सारी। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट में ये है कि आप चीजों को सिर्फ समझने की कोशिश करें। ये आप ये समझ लें कि ये जो चीजें आप सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ये आगे जाके बार बार यूज होंगे ना। ये कोई मेथड नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है, टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ये मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि आपके पास तीन चीजें हैं। एक होता है आपके पास सिंबल, एक होता है आपके पास अल्फाबेट, और एक होता है स्ट्रिंग। एक होता है सिंबल, एक होता है अल्फाबेट, और एक होता है स्ट्रिंग। सिंबल क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, अभी बताते हैं आपको। देखें, ऑटोमेटा में या जब आप ये चीजें पढ़ रहे हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली सिंबल से मुराद कैन बी एनीथिंग। मतलब आप कह लें सर, जीरो भी हो सकता है सिंबल, वन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो सिंबल के तौर पर यूज हो रही है। लाइक जीरो है, वन है, ए है, बी है, या आप ये कह लें कि एप्पल है, एप्पल भी एक सिंबल हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि सिंगल चीज सिंबल में आएगी। कोई भी चीज जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिंबल कहलाता है हमारे पास। अभी आप देखेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तीनों चीजें होने दें तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। इसी तरीके से अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स बेसिकली ये होते हैं कि जो सिंबल से मिलके एक सेट बन रहा है। मतलब क्या है कि मैंने कहा भाई मेरी लैंग्वेज में सिर्फ ए और बी आ सकते हैं। सुकून से सुनिएगा पहले। मैंने कहा कि मेरी लैंग्वेज में सिर्फ ए और बी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब मेरी लैंग्वेज में ए और बी के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है कि अब मेरी लैंग्वेज में ए और बी से मुतालिक कुछ नहीं आ सकता। जैसे कि मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक अलाउ है। अब अगर प्योर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 09 अलाउ नहीं है, उसमें स्पेशल करेक्टर अलाउ नहीं है। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ जिसमें नंबर भी अलाउ नहीं है, तो उसका जो अल्फाबेट्स होगा वो क्या होंगे? उसके अल्फाबेट्स क्या होंगे? कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हो तो उसमें आप बोलेंगे सर 0 से लेके 9 तक आ सकता है। अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हो तो उसमें 0 से लेके 9 तक आ सकता है, डेसिमल आ सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ सकता है, एंड ऑल थिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। जी, आपकी लैंग्वेज में क्या क्या अलाउ है वो अल्फाबेट है। अलाउ कौन कर रहा है? या तो आपके क्वेश्चन में गिविन होगा या आप खुद बताएंगे। तो अल्फाबेट्स का मतलब ये होता है कि जो चीज अब आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर अलाउ क्या क्या है। इज इट क्लियर नाउ? हम नहीं बनाएंगे, हमें गिवन होगा। हम नहीं बनाएंगे, हमें गिवन होगा। हमें बताया जाएगा कि हमारी लैंग्वेज जो है उसके अल्फाबेट्स ही हैं। तो अब हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी कि इनके अलावा कोई चीज आ ही नहीं सकती। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट ए और बी, सी भी आ सकता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि हम यहाँ पर स्मॉल स्मॉल स्पेसेस पे काम करेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है बेटा कि जब आप ऑटोमेटा बनाएंगे तो आपको समझ में आएगी मेरी बात कि स्मॉल स्पेसेस पे काम करने का मतलब क्या है, बड़े स्पेस पे काम करने का मतलब मना क्यों किया जा रहा है। या ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फाबेटिकल हो।
यार जरूरी नहीं अल्फाबेटिकल हो, ये भी हो सकता है कि 0,1 भी हो सकता है। अल्फाबेट कैन बी सिंबल, डेफिनेटली 0,1 भी हो सकता है। अच्छा मैंने आपके सामने सिर्फ ये लिखे हैं, ये जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड। लेकिन देखिए यहाँ हम चीजें समझने के लिए बैठे हैं, तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड का मतलब है हर चीज आ सकती है ए से लेके जेड तक, सही। इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ 0 से लेके 9 तक, लेकिन मैं ये लिखूंगा क्यों नहीं, क्योंकि ये स्पेस ज्यादा लेंगे हमारे पास, हमें तो चीजें समझनी है, तो हम बड़ी चीज पे क्यों समझे, हम तो छोटी चीज पे समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल हो गए, तो व्हाइट बोर्ड पे ये मसला है। ठीक है, ये हमारे पास अल्फाबेट्स हो गए, अगर मैं इसको रेड कलर से डिजाइन कर दूं थोड़ा सा, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, तो ये अल्फाबेट्स हो गए। अल्फाबेट्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है, हमें गिवन होते हैं क्वेश्चन में। अच्छा स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग बेसिकली जो कि अल्फाबेट से मिलके बनते हैं, स्ट्रिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। लाइक आप बोलें कि सर ये एक स्ट्रिंग है, अब आप बोलेंगे ये तो बहुत वही वाली बात हो गई कि ए बी ये एक स्ट्रिंग है, बी ए बी एक स्ट्रिंग हो सकता है, ए डबल बी भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, 0 1 1 भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, 1 0 भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। मतलब स्ट्रिंग क्या है, डिफरेंट अल्फाबेट की कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज हो सकती है ना स्ट्रिंग, तो अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन होंगे, ये भी हो सकता है स्ट्रिंग, जरूरी नहीं सब आए उसमें, सिर्फ एक ही अल्फाबेट आ रहा है, समझ रहे हैं, तो सिर्फ 0 0 आ रहा है, हो सकता है सिर्फ ए आ जाए। तो स्ट्रिंग क्या है, जो अल्फाबेट से बन रहा है, इज इट क्लियर नाउ। सिंबल क्या है, कोई भी चीज हो सकती है, स्ट्रिंग क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, जो कि सिंबल से मिला के सेट बना हुआ है जिसपे हमारी लैंग्वेज कंसिस्ट करती होगी, और स्ट्रिंग क्या है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है डिफरेंट अल्फाबेट्स का, डेफिनेटली वही अल्फाबेट्स जो हमारी डोमेन में। क्लियर हो गई बात। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर वो समझ में नहीं आई होंगी वो वहां जाके दोबारा से समझ में आ जाएंगी। तो अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर हमारा फोकस ज्यादा है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज, अब जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या आता है, उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई और सी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर क्या है, फर्ज करें हम सपोज कर लेते हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है, अच्छा एक दो चीजें हैं वो बता दूं फिर मैं आपको, हमारी हमारे अल्फाबेट्स को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ये देखिएगा, फर्ज करें हमारी लैंग्वेज जो मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा वो सारी ए और बी पे बनी हुई है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज फिक्स हो गई कि सर हमारी लैंग्वेज का जो अल्फाबेट है वो ए और बी है। क्यों है ए और बी, कोई लॉजिक नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ए और बी ले रहा हूँ, आप 0 1 पे समझ लें, आप ए बी सी डी पे समझ लें, आप ए बी सी डी से लेके जेड तक समझ लें, लेकिन मैंने क्या लिया, ए और बी। तो अब जो मेरी लैंग्वेज आएगी वो किस पे बनी हुई होगी, सिर्फ उसमें क्या आता होगा, ए और बी, उसमें सिर्फ क्या आता होगा, ए और बी, ए और बी के अलावा कुछ और नहीं आएगा, इज इट क्लियर नाउ। तो ये मैंने आपको गिवन दे दिया कि ए और बी, अब मैं लैंग्वेज लिखता हूँ आप समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। ये देखिएगा, मैंने लिखा लैंग्वेज L1, एक लैंग्वेज है, सपोज करिए मैंने उसको नाम असाइन कर दिया L1। अब एक लैंग्वेज है ना, उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होती है बेटा, अब लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन ये होती है लैंग्वेज में क्या आ सकता है, और डेफिनेटली जो आ सकता है उसके अलावा जो नहीं आ सकता वो तो नहीं लिखना। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 2, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हमारी लैंग्वेज में सिर्फ ए और बी आ सकते हैं, लेकिन साथ में एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन क्या है कि इस लैंग्वेज के अंदर वो तमाम स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिनकी लेंथ कितनी होती है, 2 होती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस लैंग्वेज के अंदर वो तमाम स्ट्रिंग आ सकते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है, 2 होती है। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, इस लैंग्वेज के अंदर वो तमाम स्ट्रिंग आ सकते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है, 2 होती है। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ए एंड बी। हाँ सिर्फ पब्लिक में आंसर करो बेटा, प्राइवेट में नहीं करो, ताकि सब लोग पढ़ें तो फिर मैं आंसर करूंगा, ठीक है, वरना फिर वो सबको पता नहीं होगा कि हमारी बात क्या हो रही है। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 2, जो आसिफ ने जवाब दिया है उसको देखें जरा,
ए और बी पे मैं क्यों रह गया, क्योंकि भाई मुझे तो गिविन था ए और बी। अब डिस्क्रिप्शन क्या कह रही है लैंग्वेज की, लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन ये कह रही है कि सर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इक्वल टू टू, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इक्वल टू टू। तो दो चीजें हो गई, हमें ये कहा गया कि सर आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी लैंग्वेज है सर ए और बी पे कंसिस्ट करती है, और साथ में लैंग्वेज का क्वेश्चन भी दे दिया। जब हमें लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया तो हमें समझ में आ गया कि भी हमारी लैंग्वेज में सिर्फ ए और बी आ सकते हैं, और साथ में वो तमाम स्ट्रिंग आएंगे जिनकी लेंथ कितनी होगी बेटा, जिनकी लेंथ होगी सिर्फ टू। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स मुझे बता दें, तो ऑल दो के हमारे स्टूडेंट ने एक आंसर कर दिया हमें, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ने जो आंसर किया वो देख लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए बताएं इसमें क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर देखें हमें आपने पाबंद किया है एक चीज का, वो पाबंद आपने ये किया है कि इसमें जो स्ट्रिंग है सर वो सिर्फ दो आ सकते हैं। तो ठीक है सर, हम ये लिख देते हैं। अब ये देखें, मैं इसके अगर स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करूं तो गौर से देखिएगा, ए ए ए बी बी ए एंड बी बी, क्या इसके अलावा कोई पांचवा स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है इसके अंदर? नहीं करता ना। तो ये हमारी एक लैंग्वेज हो गई, इसका मतलब है लैंग्वेज में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज में? पहली चीज सर इंपॉर्टेंट ये है कि लैंग्वेज में कौन से अल्फाबेट्स अलाउ हैं, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि वो लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन क्या है। हाँ, अल्फाबेट एंड डिस्क्रिप्शन, तो हम क्वेश्चन कह लेते हैं उसे। मैं फिर समझा, उसामा एक मिनट रुक जाओ, अभी दो तीन लैंग्वेजेस बता रहा हूँ ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो फिक्स हो गई, ए और बी। अब ज्यादातर सवाल मैं जितने भी करूंगा ना बेटा वो ए और बी पे करूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूँ, आगे जाके मैं 0 1 पे भी करवाऊंगा, लेकिन जितना छोटा हम अपने अल्फाबेट का साइज रखेंगे उतना जल्दी हम चीजों को समझ लेंगे, समझने के अलावा कंप्लीट चीजों को जल्दी कर लेंगे। अब फर्स्ट करें मैं यहाँ कहता ए बी सी, तो मेरे पास कितने बनते दो दो वाले कॉम्बिनेशन? अगर मैं कहता मेरे अल्फाबेट्स हैं कितने, ए और बी और सी, तो मेरे कितने कॉम्बिनेशन बनते दो दो वाले? 8 बनते। तो ये बड़ा हो जाता है ना, लिखने में टाइम लगता, समझने में टाइम लगता, इसीलिए हम छोटे पे रह रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। समझ रहे हैं? मैंने दो अल्फाबेट लिए इसीलिए कि हम इसको जल्दी समझ सकें। अब आ जाएं, फर्ज करें कि भाई मैं आपसे कहता हूं कि यही चीज कॉपी कर रहे हैं और एक लैंग्वेज L2 है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो ये है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 3। वो अभी तक सेम है, कौन कौन सेम है सर? अल्फाबेट्स। अब आपने जैसे ही देखा सर लेंथ इक्वल टू 3 की बात हो रही है, तो आपने कहा सर इसके अंदर वो तमाम स्ट्रिंग आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक कि जिनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए सर? 3 होनी चाहिए। ठीक है सर, लिखने की कोशिश करते हैं। तो सर ए ए हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया, बी बी हो गया। अच्छा 3 की बात हो रही है, 3, सॉरी, ए ए हो गया, ए ए बी हो गया, ए बी ए हो गया, ए डबल बी हो गया, बी ए ए, बी ए बी, बी बी ए एंड बी बी बी। तो ये मेरे ख्याल से 8 हो गए। समझ में आ गई है कैसे बने? समझ में आ गया सबको कैसे बने ये? अब एक और लैंग्वेज लिखते हैं, उसमें भी हम क्या कंसीडर करेंगे? सिग्मा को 3 ही कंसीडर करेंगे। उसमें भी हम सिग्मा को क्या कंसीडर करेंगे? 3 ही कंसीडर करेंगे। तो हमने कहा L3 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए। अब ये थोड़ा सा हमने आपको हटके बताया कि वो तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट होते हो, इसका मतलब क्या है? हमने आपको लेंथ नहीं बताई। अच्छा, जो चीज हम आपको बता नहीं रहे ना, जो चीज हम आपको बता नहीं रहे वो आपने खुद से अज्यूम नहीं करनी, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी पे फोकस करना है, उसके अलावा जो नहीं लिखा हुआ वो हो सकता है, जो चीज लिखी भी है वो लाजमी होनी चाहिए, जो नहीं लिखा हुआ वो तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, तो लेंथ 3 तो होनी चाहिए, लेंथ 4 5 6 नहीं। लेकिन आप ये बोलें
कि सर ए और बी पहले आने चाहिए बाद में, वो सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल लिस्टिंग स्टार्ट्स विद ए, तो कहीं पर भी ये लिखा हुआ लेंथ कितनी होनी चाहिए, कहीं ये लिखा हुआ लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो आपने लेंथ से खुद से अज्यूम नहीं करनी। और अच्छी प्रैक्टिस क्या है किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को लिखने की, सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को लिखने की, कि स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग, मतलब क्या सबसे छोटा स्ट्रिंग सबसे पहले लिखें। ये देखें तो सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा है इसमें हमारे पास, स्मॉल है, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है। एग्री, क्या ये ए से स्टार्ट हो रहा है? इसी तरीके से ए ए ए बी ए बी ए, अगेन कह रहा हूं इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर, इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर। अगर मैं ये पहले भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन हम बाय प्रैक्टिस ऑर्डर में ही लिखते हैं शुरू से चीजों को। तो इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर कि आप बोलें सर ऑर्डर में लिखना जरूरी है या नहीं है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को आप सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा ये डॉट डॉट ये बता रहे हैं कि ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, सही कह रहा हूं गलत? नहीं, इट्स नॉट अबाउट उसामा, मैंने आपसे क्या बोला कि जरूरी नहीं है। हाँ हम ऐसे लिख रहे हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूं अपनी बात को, अभी मेरा टॉपिक खत्म होगा ना उसी पे बात करूंगा मैं। तो अब मैं यहाँ पर लैंग्वेज की दो कैटेगरीज देख सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में। सर लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हो गई हैं, एक हो गई है सर क्या, एक हो गई है सर कौन कौन सी हो गई है? अगर मैं यहां तक रुक के लैंग्वेज को दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो लैंग्वेज की दो कैटेगरीज है, इनफाइनाइट और फाइनाइट। ऐसा ही हो गया? नहीं, इट्स नॉट अबाउट फिक्स लेंथ, इट्स अबाउट एक लैंग्वेज। ये देखिए फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। ये फाइनाइट क्यों है? जितने भी स्ट्रिंग थे वो आ गए, जितने भी स्ट्रिंग थे वो आ गए, इसके इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। इज इट क्लियर नाउ? क्या यहां तक पहुंच के मैं ये क्लियर कर सकता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो हमारे पास लैंग्वेज है उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो गई है? यहां तक समझ में आ गई ये बात? कोई सवाल? कोई सवाल? कोई भी सवाल हो तो बताइए। ठीक है, यहां तक पहुंच के लैंग्वेज के दो कैटेगरीज हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अभी हमने कुछ और ऑब्जर्व नहीं किया, हमने ऑब्जर्व किया सर सिंबल क्या होते हैं, हमने ऑब्जर्व किया अल्फाबेट्स क्या होते हैं, हमने ऑब्जर्व किया स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, और हमने ऑब्जर्व किया लैंग्वेज किस तरह से होती है। और लैंग्वेज में अभी तक हमने क्या देखा कि सर लैंग्वेज बनाने का तरीका ये, जो डिस्क्रिप्शन दी हुई हो उसको आपने क्या करना है, उसमें हमने करना है जो भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है उस पर फोकस करते हुए उसका ख्याल रखना है। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा चीजें, ठीक है, लेकिन वापस आते हैं। तो यहां तक पहुंच के हमने देखा कि हमारे पास लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हैं, ठीक है सर, दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक टॉपिक पे तो हैं हम, अब चीजों को दोबारा से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब है आपको कोई लैंग्वेज ऐसी भी दी जा सकती है कि जिसमें फाइनाइट लैंग्वेज हो, और हो सकता है कोई ऐसी लैंग्वेज भी दी जा सकती है जिसमें इनफाइनाइट हो, ऐसा ही है। अब ऑटोमेटा में क्या करना है वो मैं शुरू में बता चुका हूं, लेकिन मैं यहां पर दोबारा से बताता हूं। अब होता यह है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया गया, बल्कि एक लैंग्वेज और लिख लेता हूं मैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके एक लैंग्वेज और लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि और क्या हो सकता है। तो एक लैंग्वेज ले लेते हैं L4, कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एंड्स विद ए,
ठीक है सर, तो ये आपके पास एक और लैंग्वेज आ गई। अब आपने कहा कि सर इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा, सबसे छोटा स्ट्रिंग लिखने की प्रैक्टिस रखें, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा ए, सही है। फिर ए हो सकता है, फिर बी ए हो सकता है। अब हमारा फोकस किस चीज में, कि सर लास्ट में आना चाहिए, शुरू में कुछ भी आ जाए। अब आपने पिछले वाली लैंग्वेज से नहीं ताल्लुक रखना कि सर शुरू में क्या आना चाहिए, आपसे जितना कहा गया उस पर फोकस करें, ठीक है। तो आपसे जो कहा गया उस पर फोकस करेंगे आप, क्लियर हो गई बात। तो ये भी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज हो गई, इज इट क्लियर नाउ, ये भी इनफाइनाइट हो गई बिल्कुल। तो अब चीजों को ना कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं, मेरी पुरानी वाली बात से। जी आसिर फरमाइए। इनफाइनाइट फाइनाइट सवाल जो है ना, देखें मैं आप, हाँ पूछ लें, पब्लिक में पूछो भाई, सही बात है, सब पूछेंगे ना यार कुछ। यार ये सबसे, सबके सामने बताओ, बताओ ना सबके सामने पूछो, जवाब भी दे दूंगा मैं। शामिर 1 मिनट, देखिए भाई आसिर का सवाल ये, देखिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा सब लोग, ये मैं आपको बाद में बताता, लेकिन मैथमेटिक्स तो हम सबने पढ़ी हुई है। जब भी आपको एक फिक्स नंबर दे दिया जाए, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा, बस इतनी सी बात रख ले दिमाग में। मैं कहूं कि लेंथ स्ट्रिंग की 1 करोड़ हो, ये जो लेंथ 2 लिखा हुआ है ना, मैं इसको 10^1000 कर दूं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या वो फाइनाइट नंबर होगा या इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। मैं, कोई आपसे नहीं कहेगा ऐसा ऑटोमेटा बनाने को या लैंग्वेज बनाने को, लेकिन आप बात ये कर रहे हैं कि वो फाइनाइट है, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। मैंने कहा ना ए से जेड, ए से जेड, अगर ये अल्फाबेट ए से जेड होते और लैंड टू की बात होती, कितने कॉम्बिनेशन बनते, सब तो नहीं लिखता मैं बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 वाले लिए। अच्छा खैर वापस आते हैं, तो अब आपसे ऑटोमेटा की तरफ आके बात पूछी जाती है, आपको एक स्ट्रिंग दिया जाता है और आपसे कहा जाता है बताइए ए ए, सवाल है डस ए ए बिलोंग टू लैंग्वेज वन। जी सर जवाब क्या है, यस लॉजिक क्या लगाई सर, लॉजिक क्या लगाई, जो आपको पता है वो बताइएगा इस कोर्स से पहले की। नहीं 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 आपको एक एक पहली मेरी बात सुन लीजिए, आपको ये नहीं पता, अब ये ना आपके सामने से हट गया है, ये चीज आपके सामने से हट गई है, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी ना बेटा, ये सारी आपको नहीं दिख रही, आप सपोज करें आपको नहीं दिख रही, ठीक है, सपोज कर लें कि आपको ये चीज नहीं दिख रही, आपको सिर्फ विजिबल क्या है, ये विजिबल भी नहीं है, एरे आपको गिवन है। तो आपने क्या किया, आपने इस ए ए को अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, आपने इस ए ए को इसके अंदर सर्च करना शुरू किया, ऐसा ही है, और जवाब आ गया यस, ऐसा ही है, जवाब आ गया यस, ऐसा ही हुआ ना। सवाल पूछा गया डज ए बिलोंग टू L1, जवाब आया नो, ऐसा ही है नो, ठीक है ना भाई, ऐसा ही है बिल्कुल नो ऑन, बिल्कुल सही बात है, कोई मसला ही नहीं है। जवाब आया, सवाल आया दोबारा से डज ए बिलोंग्स टू, अच्छा इट्स नॉट अबाउट ए बी ए बिलोंग्स टू L2, जवाब आया यस, ऐसा ही है, डज ए बी बी ए बिलोंग्स टू L2, जवाब आया
नो, ऐसा ही ना सर, ये भी हो गया। फिर आया डज ए बिलोंग्स टू L3, जवाब आया यस। सवाल आया दोबारा से, डस ए बिलोंग्स टू, और आप सबको एक ही तरीके से कर रहे हैं काम, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं इस और में कोई लॉजिक, किसी और में कोई लॉजिक, सबको आप लीनियर सर्च से कर रहे हैं। जवाब आया यस, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये आखिर के दो सवाल देख लें, ये ए बिलोंग्स टू L3 या डज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बिलोंग्स टू L3, यस दोनों में यस आ गया। अच्छा आप सबको एक ही पैटर्न से कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीजों को सीक्वेंस में कर रहे हैं, एक तरह से करेंगे अलग अलग। आपको नहीं पता ये लैंग्वेज क्या है, आपको बस एरे गिवन है, ऐसे ही ना। अगर आपको पता हो ये लैंग्वेज ए से स्टार्ट होने वाली है तो आप सिर्फ ए देख लें शुरू में, लेकिन आपको ये नहीं पता। इज इट क्लियर नाउ? अब सवाल आता है, डज बी बिलोंग्स टू L3? जी सर, जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आएगा, बस वो बताएं, यस या नो। जवाब आएगा ही नहीं, आपकी वाली लॉजिक से जवाब आएगा ही नहीं। सही कह रहा हूँ गलत? नहीं वसीम, हम कर नहीं सकते, वो बात तो हमारी शुरू में हो गई ना, सबको पता है बात। लेकिन अभी हम जिस पैटर्न पे रह रहे थे, आपने कहा था लीनियर सर्च, तो क्या उस तरीके से आपको इसके अंदर जवाब मिलेगा? क्यों जवाब नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एरे तो न्यू स्ट्रिंग को जनरेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और आप ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, और आपको कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। समझ गए? जवाब नहीं आएगा। इज इट क्लियर नाउ? मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो अब वही वाली बात हो गई कि सर देखें, अगर फाइनाइट लैंग्वेज हो तो हमें कोई मसला ही नहीं, हम लीनियर सर्च से कर लेते हैं। यस आना होगा यस आ जाएगा, नो आना होगा नो आ जाएगा, यस आना होगा यस आ जाएगा, नो आना होगा नो आ जाएगा, अगर फाइनाइट लैंग्वेज हो। लेकिन सर जब इनफाइनाइट लैंग्वेज हो रही है ना, तो हम फंस रहे हैं एक जगह पे, फंस रहे हैं। वो फंस कहाँ रहे हैं कि सर यस आना होगा तो कभी ना कभी आ जाएगा, लेकिन सर जब नो आना होगा ना तो वो आ नहीं रहा, तो फंस गए। समझ गया ना मेरी बात? तो सर जब हमें फाइनाइट इनफाइनाइट लैंग्वेज पे काम करना होगा, अच्छा एरे ना बोलें प्लीज, लैंग्वेज बोलें सर, ठीक है लैंग्वेज बोलें। तो जब हम इनफाइनाइट लैंग्वेज में कोई चीज सर्च करेंगे, तो हमें हो सकता है यस वाला आंसर मिल जाए, लेकिन नो वाला आंसर हमें नहीं मिलेगा उस लॉजिक से। इज इट क्लियर नाउ? तो इन अ नटशेल अगर हम बात करें, तो हम ये कह रहे हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए ही हमें जरूरत है किस चीज की, किसी ऐसी चीज की जो कि हमें बता सके, मेंबरशिप। अच्छा ये कहलाती है मेंबरशिप। हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात नहीं कर रहे होते बेटा, देखें हम ऑटोमेटा में डेटा स्ट्रक्चर वाला काम नहीं कर रहे कि हम डेटा स्ट्रक्चर में किसी चीज को सर्च करते थे। हम क्यों सर्च करते थे वहां पर? अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे चाहे वो एरे हो, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वो ट्री हो, किसी भी चीज को आप क्यों सर्च करते थे वहां पर? ताकि आप उसमें एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें, इंसर्ट कर सकें, ऐसा ही था ना वहां पर। आप किसी भी चीज को नोट के अंदर या इंडेक्स के अंदर क्यों सर्च करते थे? आपको उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था, आपको उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था। आप ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अंदर किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं, तो आप क्यों ढूंढ रहे होते थे? आप इसलिए ढूंढ रहे होते थे कि आपको कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, आपने बाहर आके सिर्फ ये बता देना है कि भाई ये मौजूद है या नहीं है। समझ गए मेरी बात? बाहर आके आपने बताना है कि यार ये मौजूद है या नहीं है। उसको इस चीज से कंसर्न नहीं है कि वो 1000 इंडेक्स पे मौजूद है या 10000 इंडेक्स पे मौजूद है, या शुरू में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था, इसका इसकी पोजिशन मैटर नहीं करती। ऑल दो इट इट इज अ गुड चॉइस, इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको ऑर्डर में लिखें, लेकिन अगर आप ऑर्डर में नहीं भी लिख रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दी एंड आंसर ये चाहिए कि इस क्लास में ये स्टूडेंट है या नहीं है, बस यस और नो।
ये नहीं चाहिए कि इस क्लास में ये स्टूडेंट कौन सी सीट पे बैठा हुआ है, हमें इससे कंसर्न ही नहीं है लास्ट सीट पे बैठा हो या पहली सीट पे बैठा हो, हमें इससे कि बाहर आके आप बोलेंगे यस या नो, कम से कम नो बोल तो दें। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक तो अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज हो गई, मैं बताता हूं आपको। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज है? कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक चीज है जो कि किसी भी लैंग्वेज के लिए डिजाइन होती है। किसके लिए डिजाइन होती है? लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए। मोस्ट प्रोबेबली आप किसके लिए डिजाइन करते हैं? इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है आप फाइनाइट के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, फाइनाइट ऑटोमेटा एक मशीन है, डेफिनेटली मैं बताता हूँ उसके बारे में अभी। तो लैंग्वेज के लिए डिजाइन होती है ये। अब लैंग्वेज इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों हो सकती है, मैंने एक जर्नल नेम लिख दिया। फाइनाइट ऑटोमेटा एक लैंग्वेज के लिए डिजाइन होती है। आप जब डिजाइन हो जाती है तो आप उस पर क्या देते हैं? एक स्ट्रिंग इनपुट देते हैं। क्या इनपुट देते हैं सर? एक स्ट्रिंग इनपुट देते हैं। क्या इनपुट देते हैं? एक स्ट्रिंग इनपुट देते हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा पे जब वो स्ट्रिंग इनपुट दिया जाता है तो जवाब आता है या तो यस या तो नो। क्लियर? अब मैंने आपको बता दिया था कि भाई यस और नो क्यों चाहिए हमें। मेंबरशिप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। तो ये दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? हर लैंग्वेज के लिए अलग फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है। हर लैंग्वेज के लिए अलग फाइनाइट, अगर L1 है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होगा, L2 है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होगा, L3 है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होगा, L4 है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा अलग होगा। जब आप लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट कर देते हैं तो उस पर दिया जाता है स्ट्रिंग इनपुट। मतलब बताइए, ए ए इस फाइनाइट ऑटोमेटा से बिलोंग करता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनाइट ऑटोमेटा, तो बेसिकली मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में कह रहा हूँ। तो अगर मैंने लैंग्वेज L1 का ऑटोमेटा बनाया है तो वो सिर्फ लैंग्वेज L1 के लिए काम करेगा, वो लैंग्वेज L2 के लिए काम नहीं करेगा, लैंग्वेज L3 के लिए काम नहीं करेगा, लैंग्वेज L4 के लिए काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर नाउ? अब फाइनाइट ऑटोमेटा दिखता कैसा है वो मैं भी बताना सिखाऊंगा आप, क्योंकि ये एक डब्बा नहीं होता, बहुत सारे सर्किल होते हैं उसके अंदर, वो क्या होता है हम बात करेंगे। तो जब आप ऑटोमेटा बना लेते हैं, अब फर्ज करें मैंने ये ऑटोमेटा जो बनाया है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपको सिर्फ बाहर से एक सर्किल दिख रहा है, तो ये L1 के लिए है। तो अब मैं इस पे एक स्ट्रिंग इनपुट दूंगा, स्ट्रिंग इनपुट जाएगा किसी मैकेनिज्म के जरिए, किसी प्रोसीजर के जरिए वो मुझे बताएगा कि ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है अब से क्या होगा? अब से ये होगा कि पहले हम देखेंगे कि ऑटोमेटा काम कैसे करता है। पहले हम ये देखेंगे कि ऑटोमेटा काम कैसे करता है। जब हम काम करना सीख लेंगे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऑटोमेटा हम डिजाइन करना सीखेंगे। आपको एक लैंग्वेज दूंगा मैं, उसका ऑटोमेटा बनाना सीखेंगे। फिर दूसरी लैंग्वेज दूंगा, उसका ऑटोमेटा बनाना सीखेंगे। फिर तीसरी लैंग्वेज दूंगा, उसका ऑटोमेटा बनाना सीखेंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऑटोमेटा बनाना सीखेंगे। इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अब ये मीटिंग एंड होती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर नेक्स्ट क्लास जब हमारी शुरू होगी तो हम ये बात करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा में पहली कैटेगरी कौन सी होगी। नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा भाई, अभी अभी बहुत दूर है और हम देखेंगे भी नहीं उसे तकरीबन 5-6 हफ्ते तक। जी, हर लैंग्वेज के लिए अलग ऑटोमेटा होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। जी, ऑटोमेटा की अभी कैटेगरीज देखते हैं, दो तरह की हैं, एक विद इनपुट एक विदाउट इनपुट। तो हम ये कैटेगरीज देख लेते हैं और उसके बाद जो हर क्वेश्चन में नई लॉजिक लग रही होगी, मतलब ऐसा नहीं है कोई आउट ऑफ द बॉक्स लॉजिक होगी, लेकिन नई का मतलब ये होता है थोड़ी सी चेंज और पुराने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने
इस कोर्स को रोज के रोज पढ़ना है, मतलब वीक के वीक। आपकी आज क्लास हुई, आपने एक आध दिन में टाइम निकाल के इसको रिवाइज कर लिया, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में आए तो आपको आज की क्लास का कम से कम याद हो। टॉपिक्स होते हैं ना कि अलग अलग होते हैं, कि एक टॉपिक पढ़ लिया, नहीं भी पढ़ा अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा। यहाँ ना चीजें कनेक्टेड होंगी। यार हम तो कर ही लेते हैं, सभी कर लेंगे, जो चीज हमें आती है वो सबको आ सकती है। अगर दुनिया में कोई चीज किसी एक को आती है तो वो सबको आ सकती है। कैलिबर अलग अलग होता है, लेवल अलग अलग होता है लोगों का, लेकिन जिसका लेवल अगर उसको लगता है कि वो कम है तो उसको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर मुझे कोई चीज आती है, अगर मुझे कोई चीज आती है तो वो सबको आ सकती है। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज आती है जो मेरी फील्ड नहीं है, कुछ लोग फ्लटर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग लारा पे, अगर वो चीज आपको आती है तो वो मुझे भी आ सकती है। मेरी प्रायोरिटीज अलग है, लेकिन चूंकि आपकी प्रायोरिटीज में ये कोर्स शामिल है और आपको पढ़ना है, तो आपकी प्रायोरिटीज में ये शामिल है, तो आपको भी वो चीज आ जाएगी। मैंने आपसे पिछले, मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को क्या करना चाह रहे हैं। और रही बात गोल्ड मेडलिस्ट की, तो देखें गोल्ड मेडलिस्ट इंसान दो तरीकों से बनता है, एक तो वो बहुत अच्छा हो पढ़ने में, या एक उसकी क्लास में सब उससे बुरे हो पढ़ने में। तो आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अभी क्लास में आधा घंटा है सर, अभी क्लास में आधा घंटा है,